हमारी बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं उन सबका कोई ना कोई काम है, कोई ना कोई वर्क है जिसके लिए वो हैं और हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारी आंखों का काम है देखना, हमारे मुंह का काम है खाना खाना, बोलना और सांस लेना अगर हम नाक का प्रयोग नहीं कर रहे हैं। पर हमारी बॉडी में कुछ ऐसे भी ऑर्गन्स हैं जिनका कोई काम नहीं है और वो हमारी बॉडी में सिर्फ फालतू के लिए हैं, जो धीरे धीरे टाइम के साथ फेड हो जाएंगे लेकिन अभी भी वो हमारी बॉडी में एग्जिस्ट करते हैं। हमारी बॉडी इतनी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन जब हमारी ह्यूमन का बर्थ हुआ था, मतलब ह्यूमन जब इस धरती पे एग्जिस्टेंस पे आए थे, तब वो एक सिंगल सेल थे और सिंगल सेल से आज इतना कॉम्प्लेक्स मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बनने में एवोल्यूशन का बहुत बड़ा हाथ है। और जो भी चीज़ एवोल्यूशन से निकल कर जाती है उस चीज़ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, बहुत सारे चीज़ें फेड हो जाती हैं, बहुत सारी नई चीज़ें आ जाती हैं और इसी के चलते हमारी बॉडी में कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो एवोल्यूशन के चलते आए थे और आज उनका कोई यूज़ नहीं है। आज की वीडियो में हम उन्हीं ऑर्गन्स के बारे में जानने वाले हैं। हम ऐसे ऑर्गन्स को वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं जो हमारी बॉडी में होते हैं पर कोई काम नहीं होता है। तो नंबर वन, अपेंडिक्स। हमारी बॉडी में दो इंटेस्टाइन होती हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, और अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन के एंड में होता है, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं। ये जो अपेंडिक्स होता है वो हर्बीवोरस एनिमल्स के डाइजेशन में काम करता है क्योंकि ये उनके डाइजेशन में एक एड की तरह काम करता है। 2009 में एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा गया था कि अपेंडिक्स में कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो डायरिया को खत्म कर सकता है जो लोग उससे सफर करते हैं, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं मिला और ये प्रूफ नहीं हुई। लेकिन जो अपेंडिक्स होता है वो हमारे लिए बहुत हार्मफुल होता है क्योंकि अगर जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो अपेंडिक्स में चला जाता है तो वो इन्फ्लामेशन करता है, मतलब वो सूज आता है और ह्यूमन बॉडी में दर्द का कारण बनता है। इसलिए आपने कई सारे ऐसे ऑपरेशन सुने होंगे कि अपेंडिक्स का ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया गया। निकाल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि उसका कोई यूज नहीं है और जो स्टडी हुई थी वो भी फेक हुई थी। अपेंडिक्स सिर्फ यूज होता है ऐसे एनिमल्स में जो प्लांट ईट करते हैं। नंबर टू, विजडम टीथ। अब ये विजडम टीथ हमारे जॉ के एंड में होते हैं और ये पूरे नहीं होते, ये थोड़े अंदर की साइड होते हैं और इनको निकलवाने के लिए लोग बहुत ही ज्यादा दर्द सहते हैं और बहुत सारे पैसे बर्बाद करते हैं। लेकिन ये जो विजडम टीथ होते हैं जो हमारे जॉ के लास्ट में होते हैं, वो पहले के टाइम में हुआ करते थे जब हमारे एंसेस्टर्स ऐसे फूड नहीं खाया करते थे जो हम आज के टाइम में खाते हैं, जो सिंपली च्यूएबल हैं, वैसे फूड खाया करते थे जैसे कि कच्चा मांस, जो खाने में बहुत हार्ड हुआ करता था, उसको चबाने में मेहनत लगा करती थी और बड़े बड़े जॉ उसके लिए चाह करते थे। लेकिन आज के टाइम में हमारे जो जॉस हैं, हमारा जो जबड़ा है वो छोटे हो गए हैं, इसलिए ये विजडम टीथ इतना ज्यादा दर्द का कारण बनते हैं और इनका यूज हमारी बॉडी में कुछ भी नहीं है क्योंकि आज के टाइम में हम ऐसा कोई भी फूड नहीं खाते हैं जिनको चबाने के लिए हमें इन टीथ का यूज करना पड़े। नंबर थ्री पे है बॉडी हेयर। अब हमारी बॉडी पे जो हेयर होते हैं अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो उनका कोई यूज नहीं होता है, ये हमें हेल्प करते हैं गूज़बम्प्स को लाने में, दैट्स इट। तो जो हमारे बाल होते हैं वो एरेक्टर पीली मसल फाइबर होते हैं। अब मैंने अपने गूज़बम्प्स वाली वीडियो में बताया था कि हमारे बॉडी में ये बाल क्यों हुआ करते थे और उनका यूज आज के टाइम में क्यों नहीं है, पहले के टाइम में क्यों हुआ करता था, तो अगर आपको ये जानना है तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज के टाइम में हमें जो हमारी बॉडी पे हेयर होते हैं उनका कोई भी यूज नहीं है, सर पे जो बाल होते हैं उनका भी कोई यूज नहीं है, तो आगे आने वाले टाइम में ये बाल फेड हो जाएंगे और ह्यूमन बॉडी पे बिल्कुल भी बाल नहीं होंगे, जैसे आप एलियंस को देखते हैं उनकी बॉडी में भी कोई बाल नहीं होते। नंबर फोर, स्पाइनल कॉर्ड के लास्ट में ये पार्ट होता है, ये पार्ट सबूत है कि हम बंदरों से इवॉल्व होकर आज ह्यूमन बने हैं। ये जो पार्ट है वो हमारी पूंछ का हिस्सा है, पहले के टाइम में पूंछ हुआ करती थी लेकिन आज के टाइम में हमारी बॉडी में पूंछ नहीं है और ये जो पार्ट है इसी पार्ट से बॉडी पे पूंछ निकला करती थी, इसीलिए ये है। नंबर फाइव, मेल निपल्स। वुमन निपल्स यूज होते हैं उन बेबीज को फीड करने के लिए, लेकिन जो मेल निपल्स होते हैं उनका यूज नहीं है। ये जो टॉपिक है वो कई सालों से बहुत डिस्कशन में चल रहा है और कई सारे वियर्ड आर्गुमेंट्स भी दिए गए हैं, जैसे कि इंसानों की उत्पत्ति औरतों से हुई है, जो कि बिल्कुल भी सच नहीं है। इस बात को जानने के लिए आपको बहुत पीछे जाना पड़ेगा टाइम में, जितने साल के हैं आप उतने साल पीछे, जब आप अपनी मदर के पेट में थे तब हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन नहीं होता है। तो स्टार्टिंग में सब लोग मेल फीमेल अदर्स औरतें होते हैं, मतलब वुमन होते हैं। उसके बाद जो एक्स वाई क्रोमोसोम्स होते हैं उनमें से कोई एक एक्टिवेट होता है और सेक्स डिटर्मिनेशन होता है। इसी के कारण जो निपल्स होते हैं वो दोनों में होते हैं, मेल और फीमेल दोनों में। तो ये हो गए बॉडी पार्ट्स जिनका हमारे बॉडी में कोई यूज नहीं है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, इससे कुछ नया जानने को मिला जो ऑफ कोर्स मिला, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर आपको हमें गूज़बम्प्स क्यों आते हैं और ये जो हमारी बॉडी में हेयर होते हैं इनका यूज क्या होता है जानना है, तो प्लीज
इस वीडियो को देखें। अगर आपको जानना है कि डार्क फ्लूइड क्या होता है तो इस वीडियो को देखें। टिल द नेक्स्ट वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।